अभी तक आपने देखा आउट टू गेट लकी में लिन बोलते हैं सर को मुझे फ़ोन रिसीव करना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मिश्रा गाँव गुस्से से बोलते हैं, लिन अगर तुम बाहर जाओगे तो वापस मत आना यहाँ, तुम इस क्लास में वापस नहीं आ पाओगे। फिर लिन बोलता है जो करना करो, और वो वहाँ से चला जाता है। गाँव अपने मन में बोलता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में नंबर वन में कैसे आ सकता है, मैं पहली बार जाहिल स्टूडेंट से मिला हूँ। लिन बाहर जाकर फ़ोन रिसीव करके बोलता है क्या हो गया गोनगू। गोनगू बोलता है बॉस तुम मेरी बहन को घर छोड़ दो आज, इस मौके का फायदा उठाना। लिन बोलता है वो राजी हो गई क्या। गोनगू बोलता है मैं पहले ही बात कर चुका उससे, टेक्वांडो क्लब में उसका इंतजार करना 6:30 बजे। टेक्वांडो क्लब के अंदर प्रेसिडेंट सुहान को बोलता है चलो देखते तुमने क्या सीखा इस बार, मैं तुम्हें पीछे से पकड़ लूंगा और फिर तुम मुझ पर हमला करना। फिर टेक्वांडो क्लब के कुछ लोग शॉक्ड हो जाते किसी तरह और आपस में बात करते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है, यन बोलता है लिन फिर से यहाँ पर आ गया। सभी लोग गुस्से से लिन को देखने लग जाते हैं। यन अपने मन में बोलता है तुम बहुत जल्दी आ गए जैसा मैंने प्लान बनाया था। प्रेसिडेंट अपने मन में बोलता है ये क्या यहाँ पर गड़बड़ी करने आया है कुछ, तुम्हारा आज बहुत ही ख़राब दिन है क्योंकि मैं आज हूँ यहाँ पर। फिर प्रेसिडेंट लिन के पास जाकर बोलता है जूनियर तुम टेक्वांडो क्लब में क्या कर रहे हो। लिन बोलता है मैं अपने दोस्त को लेने यहाँ पर आया हूँ। उसी समय पीछे से सुवान बोलती है प्रेसिडेंट ये मुझे घर छोड़ने के लिए यहाँ पर आया है। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट सुवान को पसंद करते थे, मैंने सही कहा ना। दूसरा लड़का बोलता है हाँ तुमने सही कहा, प्रेसिडेंट हर जगह लड़कियों को फ्लर्ट करते रहते हैं, लेकिन ये लिनफेंग है कौन। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैंने लिनफेंग के बारे में सुना था कि ये प्लेबॉय है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उससे भी बुरा है। अभी उसने कुछ ही दिन पहले लैन को यन से सीना था और अब ये सुवान के पीछे पड़ गया। सुवान मेरी है और इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। सुवान लिन को बोलती है मुझे थोड़ा सा समय दो। प्रेसिडेंट बोलता है रुको तुम कहाँ पर रहती हो। सुवान बोलती है जॉनसन लिन में। प्रेसिडेंट बोलता है मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ, चलो साथ में ही चलते हैं। सुवान बोलती है ठीक है ये तो अच्छी ही बात है। लिन अपने मन में बोलता है अगर सुवान नहीं होती तो मैं इसे सबक सिखाता, ये आदमी हमारे बीच में एक दीवार बन जाएगा, ये मेरा मौका चला गया हाथ से। यन अपने मन में बोलता है ये अजीब बात है, लिन को पता नहीं चला कि मैं उसके गर्लफ्रेंड को सह रहा था, लेकिन ये अच्छा मौका है मेरे पास। फिर प्रेसिडेंट कपड़ा चेंज करने के लिए चला जाता है। उसी समय वहाँ पर यन आ जाता है और बोलता है जॉनसन जाने के लिए एक ही रास्ता है, तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, मैं वहाँ पर सब कुछ इंतज़ाम कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम अपना पूरा दम लगाना इसमें। प्रेसिडेंट बोलता है मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है तुम मेरे प्यार पर हाथ डाल रहे हो, इसके बाद जो होगा तुम्हारे साथ मुझे इसका जिम्मेदार मत बोलना। बाहर में एक गाड़ी खड़ा रहता है और ड्राइवर बोलता है कहाँ पर जाना है। लिन बोलता है जॉनसन लिन में। ड्राइवर बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं। फिर सुवान उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये अजीब है, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसे देखी हूँ कहीं पर। प्रेसिडेंट उस ड्राइवर को देखकर अपने मन में सोच सकता है। कुछ समय यन उसे बोल रहा था कि मैं सब कुछ इंतजाम कर दिया हूँ, वो लोग 20 रास्ता में तुम्हें रोक देंगे, सिर्फ तुम पुलिस को कॉल करने मत देना उन दोनों को, वो लोग लिन को सबक सिखा देंगे, फिर तुम उनसे लड़कर उसे भगा दोगे और लड़की को बचा लेना। प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है, और फिर वो अपने मन में बोलता है ये क्या कोई फिल्म चल रहा है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं। प्रेसिडेंट अपने मन में बोलता है ये रहा वो लोग। सुहैन बोलती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। प्रेसिडेंट सुहैन को बोलता है रुको चलो वहाँ जाकर देखते हैं वो लोग क्या चाहते हैं। लिन मेरे साथ चलो। वहाँ पर कुछ गुंडे लोग खड़े होते हैं और उसमें से एक लड़का बोलता है हम लोग नहीं चाहते तुम्हें तकलीफ पहुँचाना, तो अपना सारा पैसा मुझे दे दो। प्रेसिडेंट बोलता है लिन तुम बहुत ही ताकतवर हो ना, क्या तुम इन लोगों को देख लोगे। लिन बोलता है तुम तो टेक्वांडो क्लब के प्रेसिडेंट हो ना, तुम देख लो इन्हें। और फिर वो अपने मन में बोलता है यहाँ तक कि टेक्वांडो मास्टर 4 ताकतवर इंसान को एक साथ नहीं देख पाएगा और वो हार भी सकता है, लेकिन ये इतना शांत क्यों है, यहाँ पर कुछ ढोल छाल चल रहा है। प्रेसिडेंट बोलता है मैं उतना भी ताकतवर नहीं हूँ तुम्हारे जैसा, यन भी टेक्वांडो सीखता है और तुमने उसे एक ही बार में हरा डाला, कैसा रहेगा कि तुम क्वांग सुवान के सामने फाइट करोगे, वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। फिर गुंडे में से एक लड़का बोलता है टेक्वांडो मुझे टेक्वांडो से बहुत ही नफरत है, इसे मारो सभी को। प्रेसिडेंट बोलता है हे तुम लोग रुक जाओ, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते और मारने जाते हैं। प्रेसिडेंट गुस्सा होकर अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये गधे लोग मुझे अपना टारगेट समझ रहे हैं। फिर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है अब जो होगा इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। प्रेसिडेंट उस लड़के को एक जोर से मुक्का मारता है। प्रेसिडेंट अपने मन में बोलता है मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, ये लोग कुछ ही लोग हैं,
मैं इन लोगों को आराम से हरा सकता हूँ। और फिर उन लोगों को बोलता है आ जाओ। फिर वो चारों बहुत ही गुस्से में आ जाता है। प्रेसिडेंट ये देखकर अपने मन में बोलता है धत तेरे की, अब क्या होगा। फिर वो लोग चारों मिलकर उसे मारने लगते हैं। सुयान प्रेसिडेंट को लाजवाब खाते देखकर बोलती है ये अच्छा रहेगा कि हम लोग पुलिस को बुला दें। लिन बोलता है पुलिस के आते आते ये मारा जाएगा, चिंता मत करो मुझे इसे संभालने दो। सुयान अपने मन में सोचती है अगर हमारा प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा अकेले। लिन उन लोगों के पास जाकर बोलता है रुक जाओ, इसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम लोग सह नहीं पाओगे। फिर वो लोग भागते हुए बोलते हैं चलो सब यहाँ से। लिन अपने मन में सोच रहा होगा इन लोगों को क्या हुआ अचानक से, मुझे लगा कि ये इन लोगों को यहाँ पर लाया है, लेकिन वे सब चोर हैं, वे सब इससे कुछ लिया नहीं, सिर्फ इसे मार कर भाग गया। सुयान लू को जाकर बोलती है क्या तुम ठीक हो। ल्यू बोलता है मुझे क्या होगा, मैं अभी जवान लड़का हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है बेवकूफ़ लोग, वो लोग गलत आदमी को मार के चले गए। यान क्या सोच रहा है। सुयान बोलती है क्या मैं पुलिस को कॉल कर दूँ। ल्यू बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारा घर सामने में ही है, तुम चली जाओ मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से जल्दी से जाने लगता है और अपने मन में बोलता है अगर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो हमारा प्लान सभी को पता चल जाएगा, मुझे यन से पूछना होगा वो करना क्या चाहता है यहाँ पर। फिर वो यन को फ़ोन करके बोलता है हाय यनबो, तुम्हारे आदमियों के साथ क्या गलत हो गया, वो मुझे मारकर भाग गया, क्या तुम्हारा लोग हॉस्पिटल में है। फिर वो लोग कौन थे। फिर उसी समय सुवान का भाई उसके मुंह में एक कपड़ा बांध देता है और उसे सब कोई मिलकर मारने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद कॉन्ग लियू से बोलता है तुम मेरा प्लान को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं शैडो स्क्वाड में नहीं जा पाया तो तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगे। ओए सुन कॉन्ग सुवान से दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा। दूसरी तरफ लिन सुवान को घर छोड़ देता है। सुवान बोलती है उससे मेरा घर यहीं पर है तुम जा सकते हो। लिन बोलता है ठीक है। सुवान जाते हुए अपने मन में सोचती है मेरा भाई ने बोला था कि लिन बहुत ही ताकतवर है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है ये एकदम बेकार है। लिन अपने मन में बोलता है मैं सोच रहा था कि आज सब कुछ क्लियर कर दूँ उसे, लेकिन मेरा प्लान पूरी तरह से खराब हो गया। उसी समय उसका फ़ोन आ जाता है और लिन उठाकर बोलता है हेलो सी क्या हो गया, तुम अभी कैपिटल सिटी में हो।